यूजीसी के केस को लेकर बहुत ही बड़ा फैसला है कि जो होम मिनिस्ट्री है उन्होंने अलाउ कर दिया है यूजीसी को कि आप जो फाइनल ईयर के एग्जाम्स हैं वो आप करवा सकते हैं। अब देखिए यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर एग्जाम को जो है कैंसिल करने के लिए पिटीशन जो है सुप्रीम कोर्ट में डाल दी गई है। उसके ऊपर 10 अगस्त को सुनवाई थी जो कि अब 14 अगस्त को है, और जो सुप्रीम कोर्ट है उसने यूजीसी को जो है टाइम दिया था 14 अगस्त तक का, जो कल है वो फाइनल सुनवाई है। अब देखिए किसके अंदर जो है होम मिनिस्ट्री को अपना रिस्पॉन्स देना था, और होम मिनिस्ट्री ने अपना रिस्पॉन्स दिया है इस बात में कि हम जो है वो फाइनल ईयर के एग्जाम को कराने के लिए परमिशन देते हैं। लेकिन देखिए अभी भी सारा मामला जो है वो कोर्ट के अंदर है, क्या कुछ होना है वो कोर्ट के अंदर ही है। और अब देखिए कि नीट और जेईई स्टूडेंट्स के बीच में डाउट्स थे कि अमित शाह जो होम मिनिस्ट्री है उन्होंने अप्रूव कर दिए हैं सारे ही एग्जाम्स को लेकर, तो मैं आपको बता दूं कि उन्होंने सिर्फ यूनिवर्सिटी के एग्जाम को ही अप्रूव किया है या परमिशन दी है कि आप एग्जाम को करवा सकते हो, बिकॉज यूजीसी ने कहा है कि बिना एग्जाम के आप डिग्री कैसे दे सकते हैं, क्योंकि इस केस के अंदर जो है एग्जाम को कैंसिल करने की मांग की जा रही है। लेकिन नीट और जेईई एग्जाम को जो है पोस्टपोन करने की मांग की जा रही है, एग्जाम को कैंसिल करने की मांग नहीं की जा रही है। तो फिर से दोनों मैटर जो है वो अलग है, और होम मिनिस्टर ने अमित शाह ने जो है एंट्रेंस एग्जाम के बारे में अभी तक कुछ भी नहीं कहा है। और नीट और जेईई एग्जाम के लिए पोस्टपोन के लिए जो केस लड़ रहे हैं आलोक श्रीवास्तव, उन्होंने साफ कर दिया है कि जब तक फाइनल हियरिंग नहीं होगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर नीट और जेईई एग्जाम के पोस्टपोन को लेकर, तब तक एडमिट कार्ड जो है जेईई मेंस के नहीं आएंगे। अब देखिए ये जो मैटर है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिल्ली और महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने जो है फाइनल के एग्जाम जो है वो कैंसिल कर दिए हैं, तो उसको लेकर ये मैटर चल रहा है, और यूजीसी ने कहा है कि ये इलीगल है। और मजे की बात है कि जो यूजीसी का केस है और जो नीट और जेईई मेंस का पोस्टपोन का केस है वो सेम जो एडवोकेट है वो लड़ रहे हैं। सो अभी तक का जो अपडेट है वो यही है। फॉर मोर अपडेट्स प्लीज सब्सक्राइब स्टडीपीडिया।